हेलो, विद्या के मंदिर में ही है। और 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी जीवन का तो एंड नहीं होता है, लेकिन स्कूल लाइफ का एंड होने जरूर जा रहा है। तो एक लास्ट टाइम प्रार्थना करते हम लोग श्लोक के लिए। मैं संगीता और भावना दोनों जुड़वा बहनें आ जाए यहाँ। एग्जाम उसके लिए थैंक यू। और अभी मैं बोलूंगा कि जैसे कि मैं बता दूं, मैंने 11वीं क्लास में एडमिशन करवाया था। 7 सितंबर से मैं 2022 से स्कूल आना चाहिए था। वन था कितनी मुझे याद नहीं, पर 7 सितंबर से मैं स्कूल आना स्टार्ट किया था। और मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि लास्ट बेंच पर बैठ के सिर्फ हम एक दो लोग रहेंगे, अपने को क्लास से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पढ़ने से मतलब है। लेकिन सही बोलूँ, मुझे इतनी अच्छी क्लास मिल गई कि सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। एंड उसके लिए मैं अपनी क्लास के लिए थैंक यू बोलूँगा। प्लीज एक बार मेरी क्लास के लिए तालियां बजाया जाए। और मैं बोलूँ तो स्कूल लाइफ मेरी बहुत अच्छी गई है। हालांकि 5th क्लास की स्कूल लाइफ तो मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मैं तो गांव में पढ़ता था और उस टाइम पे खिड़की से भाग जाया करता था एक दो लेक्चर के बाद, तो उस टाइम का मुझे नहीं पता। और मैं 6th क्लास से ज्ञानदीप में पढ़ रहा हूँ। स्टार्टिंग का मेरा ऐसा था ना कि मुझे बुक्स में बहुत कन्फ्यूजन रहता था, क्योंकि एक तो विज्ञान का बहुत सारे एक टेक्स्ट बुक हुआ करता था, स्वाध्याय पोथी हुआ करता था, प्रयोग पोथी हुआ करता था, मुझे समझ नहीं आता था। साइंस की किताब है को मैं इसका आंसर उसमें लिखता था, उसका इसमें लिखता था, वो सब मुझे कन्फ्यूज कर देता था। उसी तरह एसएस में भी था, कोई नक्शा पोथी था, कोई स्वाध्याय पोथी था, कोई किताब थी, मुझे वो सब बिल्कुल समझ नहीं आता था। टाइम के साथ मैं काफ़ी कुछ समझने लगा, टीचरों के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई और धीरे धीरे क्या बोलते हैं मेंटेन होने लगा मैं, तो समय के साथ परिस्थिति के साथ घुलने मिलने लगा। फिर एक वक्त आया, जैसे कि हम लोग स्कूल में आते हैं कुछ ना कुछ स्किल सीखने के लिए आते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कोई स्किल भी नहीं है। तो एक क्लास से मैंने सोचा चलो कुछ सीखते हैं, तो सब कोई सिंगिंग करते थे, ये पेंटिंग करते थे, मुझे लगता था मेरे से इनमें से कुछ नहीं होगा। और पब्लिक स्पीकिंग तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं कर पाऊंगा, अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि मैं सही में पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, वो भी अच्छे थे मुझे नहीं लगता। फिर 9th क्लास में मैंने फर्स्ट टाइम स्पीच दी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे ज्ञानदीप में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसने मुझे लोगों के सामने बोलना सिखा दिया है। वो स्टडी अलग की बात है, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसके लिए मैं ज्ञानदीप के लिए थैंक यू बोलूँगा। हमारे संतोष सर है, हमारे श्रवण सर थे, समीर सर है, जीतू सर है, भरत सर है, इनफैक्ट यहाँ के टीचर इतने मस्त हैं ना, मैं सही बोलूँ मुझे नहीं लगता अगर मैं किसी और स्कूल में जाता ऐसे टीचर मुझे मिलते। और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, कई बात में सर इमोशनल हो गए तो क्या करेंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे आने में बहुत गर्म लग रहा था। फिर मेरे तरह के सारे अपने भाई हैं और उनकी सारी बहनें हैं, तो आज मैं यहाँ पे कुछ लिख के आपको सुनाना चाहता हूँ। तो पहले मुझे यहाँ पे आने में बहुत ही गर्म लग रहा था कि सारे अपने भाई हैं और उनकी सारी बहनें हैं, ठीक है। तो फिर मैंने सुना कि शर्माने की कोई जरूरत ही नहीं है। था वो स्कूल का पहला दिन जब मैं यहाँ रोते हुए आया था, था वो स्कूल का पहला दिन जब मैं यहाँ रोते हुए आया था। और आज भी मेरी आंखों में कुछ नम है, क्योंकि आज मेरे स्कूल का आखिरी दिन है, क्योंकि आज मेरे स्कूल का आखिरी दिन है। शायद इसलिए भी कि ये स्कूल लाइफ को मैं आगे कहीं इन्जॉय नहीं कर पाऊँगा, शायद इसलिए भी ताकि मैं ये स्कूल लाइफ को आगे इन्जॉय नहीं कर पाऊँगा। याद आती है मुझे वो क्लास की सारी मस्तियाँ जो हमने साथ
सायन जी मेरा आखिरी स्पीच है, बट मैं अपने कुछ यादें हैं वो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बचपन से लेके आज तक मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ, मेरे को इस स्कूल में 13 साल हो चुके और इस स्कूल में मेरे सारे बहुत सारे दोस्त बने और दुश्मन तो नहीं कह सकती, हाँ लेकिन ठीक है बस फ्रेंड बने। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ के जो मतलब जो यहाँ के शिक्षक हैं उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है और उन्होंने हमें इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाया है। तो शिक्षक मित्रों के लिए मेरा बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो हम इस दुनिया में नहीं चल पाते। और कई सारे शिक्षक मित्र हैं जिन्होंने हमें सिर्फ किताबें के ज्ञान नहीं बल्कि बाकी मतलब बाहरों के भी ज्ञान दिए, जैसे कि भरत सर, वो हमेशा हमें एक्टिव रखते थे, कोई भी बॉलीवुड का हो या फिर पढ़ाई के बारे में हो, एग्जाम के बारे में हो, मूवी के बारे में हो, वो सब के नहीं एनसी हाँ हर तरह की जानकारी हमें वो देते थे और हमेशा हमें एक्टिव रहते थे। तो थैंक यू सो मच, बस इतना ही। मतलब पहली बार आई थी ना तो मुझे मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और मैं रोते रोते आई थी और मुझे इतना भी नहीं पता था कि जब हाजिरी लेते हैं ना तो जय हिंद बोलते या क्या बोलते। उस दिन मेरा नाम लिया गया और मुझे पता ही नहीं था कि क्या बोला जाता है, पर इधर के सर टीचर ने मुझे बस सिखाया है और यहाँ के सर टीचर इतने अच्छे हैं कि मतलब पूरा फैमिली टाइप। तो मतलब अपनी मैं कुछ भी बात शेयर कर सकती हूँ, जैसे शिव कुमार टीचर हुई, संतोष सर हुए, भाविका टीचर भी पहले प्रिंसिपल रह चुकी है, वो भी अभी मेरे हाथ में बहुत काम रहे तो मुझे बहुत डर लग रहा है, पर मैं हिम्मत करके यहाँ पे बोलने आई हूँ। तो थैंक यू। मैं इधर सभी शिक्षक मित्रों को मतलब धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं जब मतलब मैं उड़ीसा मीडियम में मतलब पहले पढ़ता था, फिर मैं हिंदी में, मैं मतलब पहले एक से लेकर छठवीं तक उड़ीसा मीडियम में पढ़ा, पर मेरे को पूरा 10वीं तक पढ़ना था, बट मैं इधर रह के पढ़ना चाहता था, इसीलिए पापा मेरे को हिंदी मीडियम में डाल दिए। तो फिर मैं जब मैं एक से छः मतलब मैं उड़ीसा मीडियम में पढ़ता था, तो मैं मतलब मैं बहुत पढ़ता था, बाकी सब मस्ती मेरे से नहीं होता था। तो मतलब फिर मैं हिंदी मीडियम आया, फिर मेरे को डर लगता था, तब मैं मेरा कोई दोस्त नहीं बना था, बस एक दो दोस्त बने थे जैसे लक्की, राहुल, यातुल, राकेश, शिवम, चारे। तो मेरे सब मतलब दोस्त बने, फिर धीरे धीरे मतलब मैं मतलब सर फिर मैं इधर मतलब हिंदी मीडियम में आया, तो मेरे को मतलब सब थोड़ा परेशान करने लगे बच्चे लोग, फिर धीरे धीरे फिर मेरे को सब जानने लगे, फिर सब घुले मिले दोस्त बने, फिर मजा आया। फिर इधर जब हिंदी मीडियम में आया तो मेरे को पहले बहुत डर लगता था, बाकी तो सर टीचर थोड़ा डराते वराते थे, फिर मेरे दोस्त लोग सब मेरे दोस्त लोग बोलते थे डर मत, हाँ मेरे भाई कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। बाकी जब मैं उड़ीसा मीडियम में था तो मेरे मतलब कम मार्क्स आते थे, तो मेरे को उस दिन बहुत बुरा लगता था, और आज पास हो जाते तो मैं बहुत खुशी होती है। बाकी वो तो इतना कहना चाहता था, धन्यवाद। नाइन्थ तक, लेकिन टेंथ में जब सुमन टीचर आई तो मुझे बहुत डर लगने लगा, ऐसा लगता था कि मैं अभी मार्क्स नहीं कर रही। लेकिन कुछ दिन हुए, एक दो महीने हुए टीचर के साथ, मतलब टीचर ने हमें पढ़ाया, उनके पढ़ाई का तरीका भी अच्छा लगा मुझे, और पढ़ाई के टाइम वो स्ट्रिक्ट रहती थी लेकिन तभी वो थोड़ा मतलब अंदर से उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो मुझे वो भी अच्छी लगी। पहले तो बहुत डेंजर लगती थी लेकिन अब लगता है कि मतलब उन्होंने जो भी किया भलाई के लिए किया हमारे। तो पहले थे जो सर प्रतीक से पढ़ाते थे तो वो पढ़ाते अच्छा थे, लेकिन मतलब हमसे कभी पूछते नहीं थे कितना याद किया कितना नहीं किया, लेकिन सुमन टीचर हैं अगर वो 2 पेज ही पढ़ाती है तो कल उसका रीड लेती है हम लोग से, तो उसकी वजह से आधी बुक तो हमें पहले से याद हो गई है, तो आधी खाली हमें एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़नी थी, तो उसके लिए थैंक यू। ने मना किया मन करना, मैं उसको बोलूँगी ऐसा ही चलता रहता तो फिर वापस चालू, फिर जिस दिन पकड़े जाएंगे फिर वापस से डांट देते हैं, ऐसा मतलब कि 11th और 12th हमारा ऐसा ही गुजरा है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। मैं यहाँ पे 3री से पढ़ रही हूँ, तो यहाँ के क्या बोलते हैं अलग अलग प्रकार के हमें नए नए लोगों से जानने को मिला, जैसे कि हमारे पहले के ट्रस्टी थे
श्रवण सर, तो उन्हें भी आज याद करना चाहूंगी क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें एक ओएसिस मोमेंट मिला था जहाँ पे हम लोगों ने नए नए लोगों से मुलाकात की थी। और यहाँ के ऐसे ऐसी यादें हैं कि हमें भूलना बहुत 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 मुश्किल है, जैसे कि संतोष सर हुए, भरत सर हुए, सुमन टीचर हुई, इन लोगों से डर तो इतना है कि बाद में यहाँ मेरे पैर कांपने लगे। अरे मेरे पैर कांप, पहले डर लगता था उनसे भी। सुमन टीचर की बात करूँ, जैसे देखती थी ऐसे एकदम खा जाएंगी टीचर, ऐसे पूरा देखती थी। फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि उन्होंने ऐसे बात करी कि हाँ लग रहा था कि थोड़ी कम अच्छी अच्छी है, फिर क्लास में सब ऐसा बोलने लगे कि इतनी स्ट्रिक्ट टीचर है तेरी कैसे अच्छी बन रही है, तो फिर बाद में टीचर बोलने लगी और मेरे बारे में सब कोई कुछ कहते तो नहीं है, मैं कैसे लगती हूँ ऐसे सब पूछती थी टीचर। हाँ पूछते थे ना टीचर। यहाँ पे नौवीं तक तो मेरा भी अच्छा ही था, रिजल्ट भी अच्छा था, बस कोरोना की वजह से ऐसे रिजल्ट खराब होने लगे कि बुरी संगत में पढ़ने लगे, जिससे हमारा नाम भी इतनी बार आया है बाहर जाने दो। पेरेंट्स सबको बुलाने की बात आई थी तो उस टाइम हम डर तो बहुत गए थे, पर कोई बात नहीं, वो हुआ था कि नहीं नहीं। अच्छा इसमें से बताओ कि कितने लोगों को स्कूल लाइफ जीनी है अभी भी? अच्छा तो तुम सबसे एक सवाल है कि तुम लोग सब फेल होना चाहते हो? अगर फेल नहीं होना चाहते हो तो आगे तो पढ़ना पड़ेगा ना, स्कूल लाइफ भले खत्म हो जाए सबकी यादें अपने दिल में रहती है, तो आप सभी से यही वो है कि आगे जाके तुम सब अच्छे से पढ़ो, मुझे भी आशीर्वाद दे दो कि पढ़ूं अच्छे से। थैंक यू सो मच। ठीक है, वो स्कूल लाइफ मतलब इतने ही अच्छे होते हैं ना कि उनको भुलाए से भी भूले नहीं जा सकता। अगर कोई भुलाना चाहे कि नहीं भुलाना है, लेकिन वो भूल ही नहीं पाएगा, ऐसे मोमेंट्स होते हैं कुछ। तो मैं ना कुछ मोमेंट्स की बात करता हूँ, जैसे कि वो बैक बेंचर्स का बोलबाला रहता था, पीछे से बैक बेंचर्स, उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है, बस टीचर आए बोले और चले गए, लेकिन हमको पढ़ना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, और आगे वाले लगे रहते थे, और जैसे रिसर्च में घंटी बजती थी छोड़ो कॉपी किताब बाकी हमको तो खाना पीना खाना है, और वो ग्रुप रिसर्च की ग्रुप, तो ये सब बहुत याद आने वाले हैं। और मैं पर्सनली पहले भरत सर की बात करना चाहता हूँ। अब भरत सर मुझे बहुत टोकते थे, मतलब बहुत टोकते थे, मुझे लगता था कि सर मेरी उड़ाते हैं, बहुत उड़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे पता चला कि भरत सर मुझे पुश करते थे, यानी कि मुझे धक्का मारते थे कि नहीं भाई, वो जो सारे सर टीचर होते हैं ना वो हमारी भलाई के लिए बोलते हैं, मैंने ये सीखा है सर भरत सर से कि भरत सर भले उड़ाते थे लेकिन वो जब बोलते थे तो उस बारे में भी विचार करने लगता था कि हाँ भरत सर बोलते क्यों है, मतलब मजा वो अच्छा भी लगता था मुझे। और यहाँ के शिक्षकों के बारे में मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे फैमिली जैसी है, आप किसी भी स्कूल में देख लो, कोई भी प्रधानाचार्य से ऐसे कोई बात नहीं कर पाएगा खुल के, या वो उन्हें इतना समझते हैं, लेकिन हमारे संतोष सर वो मतलब मैं ये देखा हूँ कि संतोष सर वो उनके साथ मैंने प्रश्न में बैठा है बात कर, बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, वो भेदभाव रखते ही नहीं है बिल्कुल भी। और थैंक यू सो मच ज्ञानदीप स्कूल, मैं चौथी से आया था यहाँ पे, चौथी से मैंने स्कूल में कदम रखा था और आज मेरा बारहवीं तक का हमारी चौथी बैच है, ये चौथी बैच है बारहवीं की, ठीक है। और ये मुझे लगता है कि हमने इतने तो मोमेंट्स रखे हैं कि सारे शिक्षक हम जाए यहाँ से, आज के दिन ये पूरा होगा ये आयोजन, तो हमारे सारे सर शिक्षक हमें याद करेंगे। आप माने दारुण सितार है, उसका आप सही रिजल्ट लाओ ऐसी आशा, आपके पास टाइम कम है, पढ़ाई कह रहा और कुछ काम नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए।
भुगतना भी आपको ही है, तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, अभी एग्जाम का टाइम है। थैंक यू सर, तो सर गाना गाना पड़ेगा। क्या ठीक है, मेरी फैमिली से लेकर मैं चलाऊंगी। उठिया उठिया दीवार रखिया मैं तो दिल में लगाने न डेरे ताई सांब के रख दिया, कोई दिल ते लगाने न डेरे मेरा पहला भी दिल टूटिया, हाय टूटिया मेरा एक वारी ताई दिल दे दीवारा ते मैं एक न बनाई बारी, ताई दिल दे दीवारा ते मैं एक न बनाई बारी।